Good morning, students. Hope you all are fine and doing very well. Take out your EVS book, page number 69. Today we will start new chapter 12, Houses Then and Now. So students, in this chapter you are going to learn different kinds of houses in previous time and the houses of modern time. इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे कि पहले के घर कैसे होते थे और अभी के मॉडर्न घर कैसे होते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न द वेरिएशन ऑफ डिजाइन ऑफ हाउस एंड द ओल्ड पीपल दे मेड देयर हाउस. ओके स्टूडेंट्स, मतलब पहले के घर कैसे होते थे और उन घरों में वेरिएशन आ गया और वह मॉडर्न होके अब के हाउस, अभी के जो हाउस है वह कैसे बन गए हैं. पहले जो हट्स होती थी, कच्चा हाउस होते थे, अब मॉडर्न हाउस, फ्लैट्स, बंगलोज, रॉ हाउस, ये सब होते हैं और ये मॉडर्न हाउस होते हैं. तो पहले के घर अब के घर में कैसे मॉडर्न हो गए वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इन ओल्डन टाइम्स पीपल बिल्ट वेरी सिंपल हाउसेज विद अ लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस इन एंड अराउंड दैम. ओल्डन टाइम इट मीन्स पहले के टाइम में जो लोग घर बनाते थे वो बहुत ही सिंपल घर बनाते थे और जिसके बाहर बहुत ही बड़ा एक स्पेस होता था, उसमें गार्डन होता था, ग्रीन स्पेस उसके चारों ही तरफ होता था. सो पहले के टाइम में ज़्यादा व्हीकल्स भी मूव नहीं करते थे, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता था और जो विलेज एरिया होता है वह पीस एरिया होता है, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा रहती है, इसलिए पहले के लोग हेल्दी भी बहुत होते थे. The houses had one or two stories with very high roof. और ये जो घर होते थे वो बहुत ज्यादा बड़े और हाई नहीं होते थे, वो वन और टू फ्लोर के ही, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, बस इतने ही घर बनते थे और जो उसकी रूफ होती थी वो बहुत ही हाई मीन्स बहुत ऊपर होती थी. Each house had only one bathroom which was shared by the entire family. पूरे घर में सिर्फ एक ही बाथरूम होता था जो पूरे घर के लोग उसे एक ही बाथरूम को यूज करते थे. आज के जमाने में क्या होता है कि सारे रूम्स में अटैच लेट बाथ होते हैं और सब अपने अपने बाथ को, बाथरूम को, पर्सनल बाथरूम को यूज करते हैं. ऑयल लैंटर्न्स वर यूज टू लाइट द हाउसेज, और ऑयल लैंटर्न्स वहां पे यूज करते हैं लाइट के लिए. और अभी तो हम बल्ब, CFLs, ट्यूब लाइट्स, ये सब ज्यादा यूज करते हैं, ऑयल लैंटर्न यूज नहीं करते हैं. फूड वॉज कुक्ड ऑन चूल्हास मेड ऑफ मड यूजिंग कोल, वुड और ड्राइड काउ डंग. और जो फूड जो कुक करते थे वह चूल्हा पे कुक करते थे. आपने भी कहीं गांव में देखा होगा ये चूल्हा कैसा होता है, जो ये चूल्हा किसकी यूज हेल्प से फायर देता है, वह देता है कोल, कोयला, वुड, लकड़ी और ड्राइड काउ डंग, जो काउ का वेस्ट मटेरियल होता है, उससे आग लगा के पहले के जो ओल्डन टाइम के लोग होते हैं वह चूल्हा पे खाना कुक करते थे. और आज हम क्या यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, जो गैस स्टोव होता है हम उसे यूज करते हैं. पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज एंड हेल्प्ड ईच अदर इन ऑल द कोर्स. कोर्स मीन्स वर्क, काम. जो पहले के लोग थे वह जॉइंट फैमिली में रहते थे और वो सारा काम एक दूसरे की हेल्प से करते थे. सो दिस इज अबाउट द ओल्डन टाइम ऑफ हाउस. दे लिव इन वेरी हाई रूफ, वन और टू स्टोरीज हाउस. दे आर ओनली वन बाथरूम एंड द एंटायर फैमिली यूज द वन बाथरूम ओनली. एंड दे यूज ऑयल लैंटर्न्स फॉर लाइटिंग एंड ऑल्सो दे कुक देयर फूड ऑन द चूल्हास. आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट कुछ रूरल एरिया ऐसे भी है जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहां पे आज भी ऐसी हट्स में लोग रहते हैं और चूल्हा पे खाना कुक करते हैं. नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ हाउस. टाइप्स ऑफ हाउस कैसे होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, विच इज बायफर्केटेड बाय रूरल एरिया एंड द सिटी एरिया, अर्बन एरिया. इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स. सो एज वी नो इंडिया कैसी है, एक बहुत लार्ज, ह्यूज, बड़ी कंट्री है, उसमें मैनी स्टेट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर होते हैं, तो उनके घर भी अकॉर्डिंग टू देयर वेदर ही
होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, केरल में बहुत पानी होता है, बहुत बारिश आती है वहां पे, तो वह रोड टच हाउस नहीं बनाते हैं, वो एक हाइट पे हाउस बनाते हैं। पहले नीचे स्टील की जो रॉड लगी होती है उसके ऊपर वह बेस बना के उसके ऊपर एक प्रॉपर हाइट डिस्टेंस एरिया मेंटेन करके अपना घर बनाते हैं, जिससे कि बारिश आने से अगर रोड लेवल पे उनका घर होगा तो वह उनके घर में पानी फिल हो जाएगा। तो एक रॉड यूज करके एक प्रॉपर हाइट देख के केरल में उस टाइप के घर होते हैं। कुछ डार्क एरिया वाले, डार्क डेजर्ट होते हैं, सॉरी डार्क फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं जहाँ पे घना जंगल होता है, तो वहां पे ट्री हाउस होते हैं। राजस्थान में जहाँ डेजर्ट और सिंपल जो एरिया होता है वहां पे पक्का हाउस होते हैं। तो एज पर द क्लाइमेट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस इन इंडिया, दे मेड एज पर देयर सुटेबल कंडीशंस। पीपल मेक देम यूजुअली द लोकली अवेलेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। द हाउसेस इन रूरल एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस इन द अर्बन एरियाज। सो जो रूरल एरिया के घर होते हैं वह अर्बन एरिया के घर से काफी डिफरेंट होते हैं, और वह सिर्फ लोकली अवेलेबल मटेरियल से ही अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ द आंटी सिंग समथिंग, द फर्स्ट शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स वर बिल्ट ऑफ एनिमल स्किन एंड स्ट्रॉ। जो सबसे पहले जो एंशिएंट होते थे, जो पुराने जमाने के एंशिएंट होते थे, वह किससे अपना घर बनाते थे? एनिमल के स्किन और स्ट्रॉ से बनाते। स्ट्रॉ इट मीन्स प्राणी, जो प्राणी जीव जंतु जानवर होते हैं उनकी स्किन और स्ट्रॉ से अपना घर बनाते थे। सो हाउसेस इन द रूरल एरियाज। रूरल एरिया भी बच्चों अभी बहुत डेवलप हो गया है, जो अर्बन एरिया के सिमिलर ही लगता है, वहां पे अर्बन एरिया के जैसे भी घर होते हैं। बट जो प्रिमिटिव एरिया है, जो पिछड़े गांव है, वहां पे आज भी इस टाइप के कच्चे हाउस होते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रिमिटिव एरिया। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। लार्ज मेजोरिटी मतलब जो इस कंट्री के जनसंख्या है, इस कंट्री के पीपल है, इस कंट्री के जो लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी लोग लिव इन विलेजेस गांव में रहते हैं। मोस्ट हाउसेज इन विलेजेस आर मेड ऑफ थिंग्स लाइक मड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। और वहां अपने गांव में घर किससे बनाते हैं? मड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव, सूखी पत्तियों से बनाते हैं। वी कैन सी दिस रूफ इज मेड अप ऑफ ड्राइड लीव्स एंड स्ट्रॉ, एंड दीज वॉल्स आर मेड अप ऑफ मड एंड काउ डंग। ये वॉल्स किससे बनी हुई है? काउ डंग, जो काउ का वेस्ट मटेरियल और मड होता है उससे। और ये जो रूफ बनी है वो मड और ड्राइड लीव्स की, स्ट्रॉ और ड्राइड लीव की बनी हुई है। दे हैव मड और ब्रिक्स वॉल्स विथ थैच्ड रूफ। इस रूफ को हम क्या कहते हैं? थैच्ड रूफ कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउस आर कॉल्ड हट्स। और इस टाइप के घर को हम क्या कहते हैं? हट कहते हैं, झोपड़ी। नॉर्मली अ हट इज टेम्पररी और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कच्चा हाउस। सो इसका नाम क्या है? कच्चा हाउस। तो एज द नेम वी कैन अंडरस्टैंड इजिली, कच्चा इट मीन्स यह घर एक स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होता। अगर हैवी विंड और हैवी रेन आ जाती है तो ये हाउस डैमेज हो जाता है। इट यूजली हैज वन रूम। वी कैन सी इस घर में सिर्फ एक ही रूम होता है और लैट बाथ भी नहीं होते हैं। मोस्ट विलेजर्स यूज मड एंड काउ डंग टू कोट द वॉल्स वॉल्स ऑफ देयर हट्स। और जो विलेजर्स होते हैं वह अपने घर को डेकोरेट करने के लिए काउ डंग और मड यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? उनका हाउस थोड़ा डेकोरेट हो जाता है। सो दीज आर द हाउस इन द प्रिमिटिव एरिया। जो रूरल एरिया है वह भी काफी अभी डेवलप होके मॉडर्न एरिया के कंपेयर में ही आता है, जहाँ पे मॉडर्न हाउस होते हैं। बट कुछ प्रिमिटिव पिछड़ा एरिया ऐसा भी है जहाँ पे अभी भी ऐसे घर बनते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट पेज,
However, life in villages is changing. As I said earlier, कि जो गांव की life है वह भी अभी काफी change हो गई है. Many of them have modern means of transport and communication. वहां पे भी काफी modern develop हो गया है जो transport और communication से attach हो गया है. Some people in villages use the same materials of construction of houses as in cities. So जो communication और transport ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने से वह जो गांव का रूरल एरिया है वह जो मटेरियल यूज करते हैं वह लाइक सिटीज ही यूज करते हैं. द हाउसेज बिल्ट देयर आर ऑल्सो सिमिलर टू द वंस फाउंड इन सिटीज. जो जिससे क्या होता है कि वहां के जो घर है वो बिल्कुल सिमिलर टू सिटीज होते हैं. वहां भी मॉडर्न एरियाज होते हैं क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एरिया है वह बहुत डेवलप हो गया है. सो इन दिस चैप्टर टिल नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट द रूरल एरिया. सो द रूरल People live in their huts is called kacha house and the kacha house is made up of mud, straws, cow dung, etc. So in the next session we will learn houses in urban areas. So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.